अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह, दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। महिला दिवस के मौके पर सीएम के काफिले की सुरक्षा की जिम्मेवारी महिला सुरक्षा कर्मियों ने संभाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ स्मार्ट सिटी के स्मार्ट पार्क पहुंचे और उन्होंने महिला दिवस के मौके पर स्मार्ट पार्क में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में दखल न्यूज़ की संपादक शेफाली गुप्ता सहित अन्य कई महिला पत्रकार शामिल हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, महिलाओं के कारण ही हमारा समाज है और हमारा अस्तित्व है। उन्होंने कहा, हमारी बेटियाँ, माता, बहनें दुनिया का हर कार्य कर सकती हैं। महिलाओं ने शासन प्रशासन चलाया, महिलाओं ने अंतरिक्ष यात्रा तक की, सुरक्षा, इलाज और कई बड़े कार्य महिलाएं कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं और कई बड़े कार्यों को अंजाम दे सकती हैं, बशर्ते वे अपनी शक्ति को पहचानें। महिला दिवस के मौके पर शिवराज सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी माताओं को, बहनों को और बेटियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके कारण ही हमारा अस्तित्व है। आज मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन है। नारी तू नारायणी, हमारी बहनें, बेटियां, माताएं दुनिया का हर काम कर सकती हैं। वो सड़क पर गाड़ी चलाने से लेके अंतरिक्ष में यान चलाने तक का काम, सरकारें चलाने से लेके प्रशासन चलाने का काम, सुरक्षा करने से लेके अपराधियों को सजा देने का काम, इलाज करने से लेके खेती करना और उद्योग चलाने तक का काम वे सब कर सकती है। अनंत शक्तियों का भंडार है वे, लेकिन जरूरत है उस शक्ति को पहचान के उसका उपयोग करने की। कोई भी देश प्रदेश बहनों की शक्ति और क्षमता का उपयोग किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। आज आपने देखा, सवेरे जब मैं हमारी बहन सफाई कर्मियों से मिलने गया तो गाड़ी चलाने से लेके सुरक्षा करने तक का जिम्मा हमारी इन बहनों ने संभाला है और पूरी कुशलता और सक्षमता के साथ संभाला है। जब मैंने बात की सफाई कर्मी बहनों से और मैंने पूछा कि बहनों के लिए क्या करना चाहिए, एक ही आवाज निकली, सबसे पहली जरूरत है हमें सम्मान। जिसका हम हकदार हैं वो सम्मान चाहिए। आज दिन भर के कार्यक्रमों में अभी हुनर हाट जाएंगे, वहां बहनों ने क्या क्या बनाया है वो देखेंगे। दीदी कैफे भी जाऊंगा, फिर कार्यक्रम भी है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में पहले भी बहुत काम हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, देश में स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। पुलिस में 30% भर्ती मेरी बेटियां देख रहे हैं। जब ये प्रस्ताव में लेके आया था तो बहुत विरोध हुआ कि ये कैसे सुरक्षा करेंगी, लेकिन बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। आज पुलिस में 30% भर्तियां होती है, शिक्षकों में 50% भर्तियां होती है, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% बहनें चुन चुन के आई है और पुरुषों से बेहतर सरकार चलाई है। लेकिन आज भी मेरे मन में आता है सम्मान और समानता। हर बहन यह महसूस करती है, सच्चाई भी है, इसकी कमी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारा संकल्प है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है,
हमारे जीवन का मिशन है। महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने सुबह सीएम हाउस में ड्यूटी पर तैनात महिला वाहन चालक, महिला पीएसओ, महिला एसडीएम के साथ बातचीत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री का वाहन काफिला, जिसमें सिर्फ महिला सुरक्षाकर्मी ही तैनात थी, नेहरू नगर चौराहे की ओर रवाना हुआ। इस मौके पर शिवराज सिंह महिला सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। खुद शिवराज ने झाड़ू थामी और सड़क की सफाई की। महिला सफाई कर्मियों ने शिवराज सिंह से बड़ी देर तक बातचीत की। इस दौरान महिला सफाई कर्मियों ने उनको अपनी परेशानियां बताई, जिसको लेकर शिवराज ने निराकरण का आश्वासन दिया। जो सवेरे अपने बच्चों को घर में छोड़ के सफाई का काम शुरू कर देती है और जिनके कारण ये शहर स्वच्छ रहता है, मैंने तय किया कि आज उनके बीच जाके उनसे चर्चा भी करूंगा, उनके साथ चाय भी पीऊंगा और उनके सफाई के काम में थोड़ी देर हाथ बटाऊंगा। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहने हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। सभी महिलाओं के लिए काफी सम्मान की बात है, सबको प्राउड फील हो रहा है। मुझे जितनी महिलाएं हैं आजकल के इसमें सभी को प्राउड मिला कि अभी तक तो रिंग राउंड की ड्यूटी की थी, मगर पहली बार पायलट कार चलाने का मौका मिला है, तो हम लोग का सौभाग्य है। कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया महसूस। महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिला दिवस पर यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं आगे बढ़े, हर जगह पे अपना अस्तित्व कायम रखें। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काफी गर्व फील कर रहे हैं, हमारे लिए काफी गर्व का विषय है। उस समय हमको ये अवसर दिया गया कि हम सीएम साहब की कार्यक्रम का हिस्सा बने और उनको। दोपहर में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दीदी कैफे पहुंचे और रेगुलर थाली लेकर भोजन किया। इस थाली में कड़ी, दाल, चावल, मिक्स वेज, पापड़, अचार, छाछ, सलाद और गुलाब जामुन का लुत्फ चौहान दंपति ने लिया। महिला दिवस को सेलिब्रेट करने का मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज आज सामने आया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।